कांग्रेस ने अमेठी से केएल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से केएल शर्मा उनके उम्मीदवार चुने गए हैं और आज वे अमेठी से अपना नामांकन भरेंगे और इसी सीट से कड़ा मुकाबला स्मृति ईरानी के साथ करने वाले हैं। स्मृति ईरानी को टक्कर देंगे। यूपी की हॉट सीट माने जाने वाले अमेठी की यह सीट लगातार चर्चा का विषय बनी हुई थी। चर्चा इस बात की हो रही थी कि गांधी परिवार का गढ़ माना जाने वाली अमेठी में राहुल गांधी अपना घर बचाने के लिए फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगे। इस बार अमेठी से गांधी परिवार का एक भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ रहा है, बल्कि गांधी परिवार ने अपने करीबी किशोरी लाल शर्मा को मैदान में उतारा है। दरअसल किशोरी लाल शर्मा को गांधी परिवार का बेहद ही करीबी माना जाता है और वो कई वर्षों से गांधी परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। मैं खड़गे जी का, सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। उसने मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जो उनकी पारिवारिक सीट है उसकी जिम्मेवारी मेरे को दिया है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि यहाँ मेहनत करूँ, क्योंकि मैं यहाँ 40 साल से इस क्षेत्र की सेवा कर रहा हूँ। 1983 में यहाँ आया था, पहले यूथ कांग्रेस की तरफ से मेरी ड्यूटी लगी थी वहाँ पे, तो उसके बाद से मैं कंटिन्यू यहाँ पे कर रहा हूँ। मैं राजीव जी के साथ अपना कैरियर शुरू किया था। 1983 में राजीव जी मेरे को लेके आए थे यहाँ पे, तो उसके बाद फिर ऐसे हालात बनते गए कि मैं यहीं का यहीं रह गया। तो हमने सोनिया जी के सारे इलेक्शन लड़ाए, राजीव जी का सिर्फ 81 का छोड़ दो, उसके बाद के सारे इलेक्शन लड़ाए। हम छोड़ने वाले नहीं हैं और वो पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता के ऊपर रहेगा। इसका प्रेडिक्शन कोई भी नहीं कर सकता है, ये जनता जनार्दन के की बात है, जो जनता का फैसला होगा। किशोरी लाल शर्मा ने आज अपना नामांकन भरा है। उनके परिवार ने किशोरी लाल शर्मा पर विश्वास जताते हुए जनता से उनके लिए समर्थन मांगा है। वहीं दूसरी ओर अमेठी से प्रियंका गांधी ने रोड शो के दौरान उन्हें परिवार का सदस्य बताते हुए उनके लिए जनता से वोट मांगा। क्या कहा प्रियंका ने नमस्कार, जल्दी में हूँ क्योंकि मुझे रायबरेली भैया के नामांकन के लिए जाना है। आप सबको मालूम है कि किशोरी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। आप इनको मेरे ख्याल से आप शायद 35 या 40 सालों से जानते हैं, अमेठी की गली गली जानते हैं, गांव गांव जानते हैं, हर कार्यकर्ता को जानते हैं, पहचानते हैं और यहाँ की जो समस्याएं हैं, यहाँ की जो मुश्किलें हैं, उनको अच्छी तरह से जानते हैं। इन्होंने लगातार 40 सालों के लिए आपकी सेवा की है, मैंने खुद आंखों से देखा, मैं खुद यहाँ पे आपके साथ मैंने खुद काम किया और इस चुनाव में भी मैं इनके साथ कंधे से कंधा लगाकर चुनाव लड़वाएंगे और आपसे ये उम्मीद रखती हूँ, मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर इस चुनाव को लड़वाएंगे और किशोरी जी को जिताएंगे। हम अमेठी में, हम अमेठी में एक बार फिर सच्चाई की राजनीति, सच्चाई की राजनीति और सेवा की राजनीति वापस लाना चाहते हैं। मैं आज 3 तारीख है, 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी, 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी और तब से चुनाव के अंत तक आपके साथ और राहुल जी के लिए ये चुनाव लड़ेंगे। ये लोग चुनाव को धन बल पे लड़ते हैं, हम जनता के बल पर लड़ेंगे। हम ये चुनाव आपके लिए लड़ेंगे ताकि आपका विकास हो,